सर आवाज है सर फूल बीस पकड़ करके इसको सारे साहेब सामे थी साहेब वो भी हाँ मैडम सामने थी मैडम एक्सक्यूज मी मैडम आ बाजू मैडम मैडम आ बाजू सर सर सामने मैडम सर मैडम हमारे बीच भाई और पंकज भाई के सुर हमें ना मिले तो हमारे चित्र सारे अधूरे रह जाएंगे અને સુંદર મિત્ર શ્રી પ્રકાશ કોઠારી અમારા સિનિયર ભાઈ સંજય બાબુ મંત્રી બધા કલાકારો ભાઈઓ બહેનો
દિવસોમાં પેઇન્ટિંગ કરવું પડતું શીખવાડ અને ઘણી કોશિશ કરી પણ મને નથી લાગ્યું કે ક્યારેય એવું કંઈ ચિત્ર બન્યું કે જે બોલી શકે. એટલે આ એક ચોક્કસ એવી કલા છે કે જે દરેકને નથી સાંભળ. હું જ્યારે પણ હું ગયા અઠવાડિયે રોમમાં હતો, આખું ઇટલી ફર્યો અને ઇટલીમાં મેં ખાલી કલા દર દરેક જગ્યાએ કલા જોઈ અને જોઈએ, ચાહે માઇકલ એન્જલો હોય કે લિયોનાર્ડો દા વિન્સી હોય, પણ એ કલા જોઈને આપણને એમ થાય કે કુદરતે આ કલાકારોને કોઈ અલગ સમયમાં ઘડ્યા છે, બનાવ્યા છે. કારણ કે આ તસવીરો અને આ ચિત્રો આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે એમ થાય કે સાવ બ્લેક એક કેનવસ હોય, એના ઉપર આખી તમારી કલ્પના ઉતારવી અને એ પણ અલગ અલગ રંગો કલરો લઈને અને એનું કોમ્બિનેશન કરીને કેવી રીતે આ બનાવવું, એ મને તો આ વાત જ આખી અદ્ભુત લાગે છે. અને એટલા માટે હું એ જ કહીશ કે આ બધા કલાકારોની સામે મારું મસ્તક નમી જાય છે, નમી જાય છે. અને આ બધા કલાકારોને હું ખૂબ 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 એ લોકોને અભિનંદન આપવા માગું છું આ સુંદર કાર્ય માટે, આ સુંદર પ્રદર્શન માટે. ખાસ કરીને બાબુ ભગતીશ્રીને કે જે ક્યુરેટર છે એક્ઝિબિશનના, ગુજરાત વિઝ્યુઅલ આર્ટ એસોસિએશનના સગળા મેમ્બરોને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવા માગીશ. અને મારી શુભકામનાઓ છે કે આ પ્રદર્શનથી ગુજરાતના બધા જ કલાકારો, હું નામ કારણ કે જાગીર આર્ટ ગેલેરી એક એવી પ્રેસ્ટિજિયસ જગ્યા છે કે જ્યાં તમારું પ્રદર્શન થાય તો એનો મતલબ કે તમારા ચિત્રમાં તમારી કલામાં કોઈ એવી વાત છે કે જે વર્લ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પર આપણે રજૂ કરી શકીએ. તો આપ સૌને ખૂબ ખૂબ સારા મારી શુભકામનાઓ અને વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ અને ખૂબ ખૂબ મુબારક બધાને. અને મારી એવી જ ઈચ્છા કે આવી જ રીતે ગુજરાતના કલાકારો, ગુજરાતના પેન્ટર્સ, બધા ચિત્રકારો આવી રીતે પ્રગતિ કરતા રહે. અને મારી ખૂબ ખૂબ દિલની બધાને શુભકામનાઓ. કૃષ્ણ પણ બોલ્યા છે, બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન એન્ડ ગોડ બ્લેસ. What?
મને પંકજભાઈનું પણ બનાવવું હતું, પણ સર નવી મને ખબર નથી, એટલે હું દિલથી બનાવી લાવ્યો. સર સર એક ફોટો કીધો સંજય સાહેબ, બોલું પાછળ. थैंक यू. बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, मैंने खूब पर्सनली देखी है. तो कैसे, तो पहले तो ये जानना चाहिए कैसे शौक आया लाइक द डायमेंशन फिर अब पेंटिंग. मैं बचपन से ही पेंटिंग करने का मुझे इंटरेस्ट तो था ही, और शुरुआत में पिकासो, वैन गॉग उनकी सबकी नकल करता था. फिर फिल्में लिखी, डायरेक्ट की, तो उन सब में छूट गया. फिर एक ऐसा मौका आया, एक ऐसा दौर आया कि जब मुझे बहुत कुछ कहना था और कहने के लिए मेरे पास मीडियम नहीं था जो मैं वर्ड्स में कह सकूँ या फिल्म में कह सकूँ. उससे ऊपर मुझे कुछ कहना था, तो मैंने कैनवास का सहारा लिया. और मेरी ज़िंदगी का वो ऐसा दौर था जिसमें मैं काफ़ी अकेला भी था और कुछ अंदर मेरे अंदर हो रहा था, तो मैंने अपनी सारी भावनाएँ कैनवास पे उतार दी और कुछ कहने की कोशिश की. अब वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है अपने अपनी एक्सप्रेशन है. एंड मैं कोशिश करूँगा कि इससे बड़े पेंटिंग्स मैं बना सकूँ. और एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मेरा अपना एक सीरीज़ है, ये मैन इन द मून, चांद और इंसान, और उसकी एक सीरीज़ मैं बनाना चाहता हूँ. एंड आई विश पीपल लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट. यही कहूँगा कि संजय हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं. वो जो भी क्षेत्र में जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही करते हैं. तो अभी इनका आगे और क्या शौक आता है मुझे पता नहीं है, पर जहाँ तक पेंटिंग का सवाल है, बहुत ही बढ़िया करते हैं. मैंने इनके फेसबुक पे भी, उन्होंने जब शुरुआत की थी तब से वो पेंटिंग्स फेसबुक पे भी रखते हैं, तब से मुझे था कि ये यार ये तो बहुत ही, मतलब ये बहुत ही जाना पहचाना. मुझे नहीं पहले पता था कि ये कर पाएंगे या कर इतना अच्छा करेंगे. पर ऑफकोर्स इनके जो फादर थे उनके साथ भी हमारा काफ़ी रिश्ता रहा है, छेल भाई के साथ. तो एक होता है ना कि उनसे ही वो सब चीज़ें अंदर आती होगी. पर जब जब मैंने फेसबुक पे उनके पेंटिंग्स देखे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ. और आई एम श्योर कि ये तो अभी शुरुआत है. ये जेन्यूनली जो बोल रहे हैं कि पिकासो और उनके पेंटिंग पहले बनाते थे, ये इनसे भी बढ़िया बनाएंगे. मैं क्या बोलूँ, मैंने जैसी पेंटिंग देखी मैंने कहा 100% ये डायरेक्टर राइटर ही बना सकते हैं. बिकॉज अगर आप एक पेंटिंग देखेंगे तो आर्टिस्ट है, मेकअप के साथ बिना मेकअप के. एंड अदर्स ऑल्सो जब आप देखेंगे यू विल रियली लाइक इट, बहुत डेप्थ है उनमें. एंड आई एम सो हैप्पी. और मैंने जैसे पहले कहा कि पेंटिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मेरे घर में से हर कोई पेंट करता है मुझे छोड़ के. तो मैं लिटरली मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ यू नो पेंटिंग एंड वट एवर यू लाइक. सो दिस इज वंडरफुल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. होपफुली यू कीप ऑन पेंटिंग लॉट ऑफ थिंग्स. थैंक यू. वन सेकंड नेहा, प्लीज कम वन सेकंड. ट्रेंड शी इज माय फ्रेंड नेहा मेहता, famous actress, television star, and she has come to encourage me
अभी उन्होंने देखी क्या? अभी देखी? I haven't seen them like which are present here, but definitely I've been aware of his brilliant work with great satire and message, as we were for Tarak Mehta also. Then what else? Umesh Bhai is there who can actually visualize the entire gist of the life in films. Mr. Chhel, poet, writer, critic, director, lyricist, painter. I think I'm... The list is long. Yeah, very, very happy moment to be here. It's always better late than never. So lovely seeing you guys here. What else? Awesome. Nice. And pleasure to be here. मैं एक इंस्पिरेशन नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं, पोइट्रीज हैं. एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है पॉल क्ली मेरे आदर्श रहे. उन्होंने काफ़ी अच्छे चित्र निकाले हैं और उनकी स्टाइल से मैं बहुत प्रभावित हूँ. और वैन गॉग की जो जीवनी है उससे इम्प्रेस होकर मैंने अपनी स्टाइल बनाने की कोशिश की है. अब देखते हैं कहाँ तक सफर मिलती है. आपके हिसाब से आर्ट क्या? आर्ट वही है जो आप महसूस करते हो, जिसको आप एक्सप्रेस कर सको और अच्छी तरह करो तो आर्ट है, वरना एक्सपेरिमेंट है. ओके उमेश सर, आपके थॉट्स? सेम जो संजय भाई ने कहा कि यही है, कला जो है वो आप महसूस करें तो. और दूसरा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अक्रॉस द फूट लाइक, जो हम लोग ड्रामा की लैंग्वेज में कहते हैं कि वो पहुँचे लोगों तक, तो उसे मैं आर्ट मानता हूँ. Art, yeah, definitely decoration with simplicity and some good message for the society. Because I think, मैं बहुत strongly believe करती हूँ कि हमें बहुत सारे लोगों का inspiration बनना होता है और इसी तरह life आगे बढ़ती है. So, for me, art is something which you can see it with your eyes, because when you see it, then you can feel it. And so I think whatever you see, and एक बहुत simple सा line है, beauty holds in the eyes of beholder. So, right. So it's in your eyes, whatever you see is beautiful and it's artistic. Okay, Umesh, aapse janna chahiye ki abhi aapki jo movie aayi thi 102, wo bhi ek inspiration deti hai logo ko, to aap response aap happy jo aapko response mile audience se? Ji, ye mauka alag cheez ka hai, yahan pe painting ki baat karni chahiye, par fir bhi of course kise khushi nahi hogi agar film achhi chalti hai, to definitely I'm happy. आई एम राइटिंग कपल ऑफ सीरियल्स एंड मैं आगे की फिल्म प्लान कर रहा हूँ. मेरी एक फिल्म है किल द रेपिस्ट विच इज कम्प्लीट और उसकी रिलीज की मैं कोशिश कर रहा हूँ. मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक लूंगा एक डेढ़ महीने का. देन आई हैव कपल ऑफ यू वांट्स टू एंजॉय सक्सेस. ओके थैंक यू. थैंक यू. संजय सर के लिए इतना ही कहूंगा कि क्रिकेट में मेरा फेवरेट था कपिल देव ऑलराउंडर, और यहाँ पे संजय छेल ऑलराउंडर. इज नॉट ओनली आर्टिस्ट, मतलब राइटर, एवरीबडी नोज के वो हर चीज में इज चैंपियन.
मतलब मैं जहाँ मैंने बहुत कॉमेडी सीखा है इनसे, मैंने उनकी सीरियल डायरेक्ट की है, सो हमारा बहुत साथ अच्छा रहा है हमेशा। और आज भी जहाँ पे भी मैं कोई चीज़ में फंसता हूँ या कोई चीज़ मुझे थॉट अगर मैं अटकता हूँ तो ऑलवेज आई कॉल लिम संजय भाई कि भाई ये कैसे, मेरी पिक्चर भी शुरू हुई तो मैंने उनके पास गया था कि कैसे होता है, फिर मेरे प्लेस करता हूँ मेरी सीरियल्स, तो जो भी गाने होते हैं हमेशा आई कॉल लिम उन्हें और वही उन्हें हमेशा लिखते हैं। तो पेंटिंग तो लाजवाब है और मुझे पता है हमेशा मैं देखते रहा हूँ, वो भेजते रहते अपने पेंटिंग, सो डेफिनेटली अभी और क्या नया करेंगे वो हमें सोचना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।